गले में डाल ले, पढ़ने वाली है हमारा। पकड़ 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 साले पकड़ साले को मार साले को मार लेगा। ये हमारा दुश्मन हो गया भाई। मार रहा है ये तो। अरे 9 लाख के बच्चे तुझे शर्म नहीं आई? जब से तो पागल था तब तो सही से मारे पड़ा साले, मार रहा आता ये तो। अरे बाबरिया हाँ क्या हुआ? अरे बेशरम के बच्चे ये बता, तूने मारा मेरे गले में एक बार भी नहीं पड़ने। अरे शर्मदार के बच्चे तेरे गले में माला क्यों पड़ेगी? अरे तू हमारा नौकर है, हमारे गले में माला पड़ जाएगी तो रानी वो तेरी सेवा करेगी। अच्छा रानी? हाँ मेरी सेवा करेगी, हमारी रानी बनकर रहेगी और तुम्हें भी चाय नाश्ता शाम पर पल्ला पड़ेगा। तो अब मैं माला नहीं दे सकता हूँ किसी के लिए? साले बहुत देगा, बहुत जबरदस्ती छीन लेंगे। अरे वो हाथ पड़ गया ना गाल पे, साढ़े तीन ग्राम बुखार उतरेगा। वो तो सारा कितना तैयार है एकदम। राजा अंदर इसकी निगाह में फर्क है, इसकी तौरी कितनी खराब हो रही है, बाप की देह में जान आ रही है। अरे माला ना दूंगा अब तुम्हारे बाप को भी। बावरिया देखो सुनो, तुम हमारे नौकर हो हाँ? और हमारे बेटे के समान हो, लेकिन ये रानी हमारे पल्ले पड़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात ना। रानी तुम ले लियो, माला मैं लूंगा। ठीक है ठीक है, रानी हमें दे। जब साले माला तेरे गले में तो रानी हमें कौन दे देगा? रानी रानी मुझे दे जा, ये तेरी बहन को चिंदर मारो तेरी। साले गाली देगा तो दूंगा मेरे सारे तोपू रानी मिल जाएगी। समझा लो महाराज, इसके लिए साले रगड़ दूंगा अभी। अरे भैया मान जाए ना, माला मेरे गले डाल दे। बता तुम्हारा नाम क्या महाराज? मेरा नाम है इंदर। और हमारा नाम राम क्या? अरे मैं तो जानती तुम यार। भाई तू कौन है? हमारा नाम है, हमारा नाम तुम्हें जानो? भाई हमें जान। अरे ले हमारा नाम पोंगा सिंह राजा। ओ तुम्हें ये ठोंगा मुझे पोंगा सिंह। तुम्हें तारीफ कितनी है? भाई हमें हमारे अंदर बहुत तारीफ है। अरे जिसको और मैं तलवार मार दूँ बाप बेटे, जिसको और मैं तलवार मार दूँ छीकड़ा बखेर दूँ, अल्लाह को मक्खियों को भोजन बना क्या बखेर दूँ, अल्लाह को मन बताओ छोकरा सही। अरे जमीन पे पूरा परी चाट दाऊं, अरे जमीन पे पूरा परी जीव से चाट दाऊं, और आगे कुत्ता आया था पीछा कोई। अरे वाह बहादुर, यही बात यार। हमारी मुंह देख और हमारी पूछ देख, बहुत मेरी बाड़ी भी दिख रही है। इतना ही बलवान जो इंदिरा हुए को? नहीं इंदिरा तो बहुत का इंदिरा बोलो भाई, राजा इंद्र के। हाँ राजा इंद्र है यार। मैं राजा इंद्र हूँ। ठीक है तो अब क्या चाहते हो? बाबरिया सुनो हमारी बात, तुम माला नहीं देते हो? नहीं महाराज। आप शांति से बैठ जाइए, हम कोई बात करते हैं। कर लो महाराज। इंदर कहिए क्या बात है? और भाई साहब पोंगा सिंह। हाँ भैया देखो ऐसा है, ये ऐसे माला नहीं दे सकता, इसमें कुछ राज मालूम पड़ता है ना बावरिया। नहीं अबे कैसे करे बता, लेकिन वो तरकीब हम बताते हैं जिससे रानी हमारे तुम्हारे पल्ले पड़ जाए। बताओ भाई, राज तो नहीं मालूम पड़ता है, तीन दफे माला पड़ गई, तीनों दफे बावरिया गले में पड़ी। दोस्तों माला जब तीन दफे बावली के गले में पड़ जाती है तो सभी राजाओं में ये चिल्ली चाल मच जाता है के रानी दमयंती का दम्बो का दिमाग सही नहीं है। देखो ये बावले के गले में माला डाली है, लेकिन दमयंती को सभा में बुलाया जाता है और उसे ये कहा जाता है समझा के कि बेटी ये तूने अच्छा नहीं किया। तो सुनिए इस कहानी को, रानी दमयंती जान सकती थी कि मेरे पति के अंदर क्या शक्ति और क्या करिश्मा है। सुनिए रानी दमयंती आखिर शर्त क्या लगाती है, आगारी का दास्तान सुनिए, सहमर किस तरीका से होगा। क्या हो राजा, क्या बात है? तुमने ये बहुत बुरा किया। क्या हुआ? फिर भी जो माला है उसी पागल के गले में पड़ी हुई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? दमो ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं। क्या फिर भी गणेश महाराज ने यानी उस पागल के गले में माला डाल दी? गणेश महाराज ने भी उसके गले में, तुम भी पागल हो गई और ये गणेश का बच्चा ये भी बुढ़ा पागल हो गया। अच्छा आखिर आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं माला हमारे गले में पड़े। चलो पड़ जाएगी, मेरी शर्त है। और नहीं मैं इस गणेश को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे राजा देश देश के राजाओ, हमारी एक शर्त में गले में माला डाल दूंगी। ये गणेश हमारे यार है, किस तरह से? क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त मेरी ये है, बगैर अगेन और बगैर पानी के कोई खाना बनाएगा अच्छा, मैं उसी के गले में माला डाल दूंगी। ये बहुत अच्छा भाई, वाह अब क्या बड़ा नंदा था फंदा। अब यही मेरी शर्त है भाई, हमें तो चाहिए ना, वो हम तो पहले मना कर रहे थे। पोंगा सिंह पेटला क्या भाई, पेटले ये बता क्या भाई, क्या बात भाई, बना देगा तू शर्त मंजूर तुझे? हम तो पहले मना कर रहे यार, हम आना ले रहे बहू। कैसे सारे कितना तैयार घूम रहा था, हम तो पहले मना कर रहे तुमसे यार। क्यों महाराज, क्या नाम तुम्हारा? टीकम नाम है। टीकम सिंह जी हाँ। बोलो है तुम्हारा ख्याल कुछ मेहनत करने का? सुनो तुम कर सकते हो? कौन मैं? बगैर अग्नि बगैर जल की। इस बात से हम राजी नहीं है। और नहीं नहीं हमारे बस ये राग नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यार मैं अपने इस पागल से पूछ के देखता हूँ। हाँ ठीक है, सही बुलाओ। अरे बावरिया पागल को बुलाओ भाई इसको। बावरिया सरकार यार यहाँ तो तुमने खाना खा लिया, मैंने भेजा था अभी खाना। हाँ
खाना खा लिया। खा लिया? अरे एक बात और है, कितने कितने बड़े रसगुल्ले थे? अरे छह छह सात सात किलो के। अरे एक तो दो तीन कुंटल को रसगुल्ला पहुँच गया मेरे पास। यार एक बात है, आप बुरा ना मानो, लेकिन हमने तुमसे कोई गलत बात तो नहीं कही है। ना जी, देखो रानी की ये शर्त है कि जो बगैर अग्नि जल के खाना बनाए अच्छा। मैं उसके साथ में शादी रचालूंगी। माला वाली बात तो खत्म। माला वाली बात खत्म? भैया तुम बगैर अग्नि जल के जो खाना बना दो तो ये रानी हमारे पल्ले पड़ जाए। हेलो, समझ लो साथियों, वो टीकम सिंह जो राजा था उसे पहली बात का ध्यान हो जाता है कि हमारे बावरिया ने ये कहा था, जो काम को कोई नहीं करेगा उस काम को मैं करूँगा। वो आटा दाल लेकर के टीकम सिंह राजा उसी पागल के पास पहुँच जाता है कि भाई तूने ये कहा था कि मैं जो कोई काम कोई नहीं करेगा उस काम को मैं करूंगा, देख तेरी दरिया से मुझे ये रानी पल्ले पड़ जाएगी। ये रानी की शर्त बगैर अगर बगैर पानी के कोई खाना बनाएगा वही मुझे ब्याएगा। आज ये काम तू करेगा, तूने यही शर्त डाली थी कि जो काम कोई नहीं करेगा उस काम को मैं करूंगा, आज वही काम तुझे करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं टीकम सिंह राजा? सरकार। हाँ बावरिया, कहो क्या ऑर्डर है? ये रानी की शर्त है कि जो बगैर अग्नि जल के खाना बनाएगा उसके साथ में मैं ब्याई जाऊं। तो महाराज, महाराज इंद्र बनाएंगे? अरे उसके कहा बस की बात, नाम सुनकर उसका पेशाब निकल गया। हमारे बस की ये राग नहीं है भाई। तो लुगाई लेने वैसे आ गया है? अबे तो यार लुगाई लेने के खाली मारा तेरे गले में पड़ दिया, हमारे कहीं का थोड़ा सा काम करते। अच्छा तुम्हारी क्या भैया? हमारी मर्जी ये है, तुम हमारे स्वार्थी हो और हमारे नौकर हो, बड़ी सेवा करी हमने तुम्हारी कितनी, लेकिन खाना बना दो यार तो रानी हमारे पल्ले पड़ जाए। अच्छा खाना मैं बनाऊं? हाँ। बिना अग्नि और बिना पानी के? जी हाँ। और वो औरत तुम्हें मिलेगी? अरे यार तो क्या बात है, जिसका नमक खाते उसका हलाल करते हैं। अच्छा लड्डू पेड़ा भाभी खा? तेरी है तो हमारी है, हमारी है बच्ची। हाँ लड्डू पेड़ा भाभी खा और दूसरे काम को दे। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया कि जिस काम को कोई नहीं करेगा उसे मैं करूँगा, लेकिन मैं लो खाना मैं बनाऊंगा बिना अग्नि और बिना पानी के। अच्छा ठीक है, चलो मुझे कोठरी में बंद कर दिया जाए और लाओ सूखा आटा मुझे दे दो। ठीक है ये लो सूखा आटा। अच्छा, है ये लो राशन और जाइए अंदर कमरे बंद कर दो। ठीक है महाराज, मेरे पास कोई नहीं आए। ठीक है कोई नहीं आएगा। आटा लेके हाथ में वो राजा नल सरदार, ये ईश्वर परमात्मा मेरी लाज तुम्हारे हाथ। है सरदारो रे जी, अरे दुर्गे मैया से लगातार नाले ध्यान, सिंहासन तुम्हारा बेटा मेरा सिंहासन हिला, तू देख सही। मैं देखता हूँ सिंह ने जो कहो कौन है सब्जी का तबडिगा जो आज मेरे सिंहासन के विधायक धर लिए। मैं मुझे तो यही महाले में कोई चूहिया हुआ तुम्हारे सिंहासन के नीचे पड़ गई, उसने हिला दिया सिंहासन, कोई बात नहीं। देख तो सही। ठीक है चल के देखते हैं अभी।
करियो? मुझे बनवारी याद कर रहा है। नारे आवेगी मेरी मैया अब भी मैं रेसी का हाल में नले तोरे बनवारी अरे गमाए दिएगा प्राण माता जी सुनिया माता जी हे भूले तो शेर पहले लाल मेरे पाखड़े तुम्हें डालो जी वो बेटा रे मेरे एक दमे दी करो दिया हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है राज के से डिवाइड जिला बुलंदशहर के सौ जाने से करकोरा वालों का धन्यवाद बहुत अच्छा माता जी जैसे आपकी आज्ञा पासो मेरी नल तोरे बेटा को रे पाले की अरे फिर ना आए कोई तो घड़ी के कैसे होए अभी तो यारी से मेरी कोई तो घड़ी के कैसे होए अभी तो यारी से मेरी वो तुरी के कैसे पोती जी जी माता जी बनवारी से कह दे माता जी आ गई ठीक है बहुत अच्छा ठीक है कह दो अभी लो जल्दी जाओ बनवारी से कह दो ए परदेसी अरे तुम कौन भैया मैं लांगोर अरे लांगोर जी भाई साहब कहिए आइए नमस्कार 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 अरे यार एक बात बताओ मैंने दो घंटे हो गए मगजखूरी करते हुए अच्छा लेकिन माता जी कहाँ है माता जी तो सब कुछ है लेकिन मुझे ये बात तो बताओ तू यहाँ पर क्यों घूम रहा है क्या परेशानी तुझे परेशानी कुछ ना बस आनंद के साथ भैया गुजर बसर कर रहा हूँ अच्छा माता जी को याद कर रहा है तुझे दिख तो रहा है ना मेरा शरीर क्या हो रहा है नहीं वो तो मुझे दिख रहा है माता जी से मिलना है क्या तुझे भैया वो सही बात है वो कहते हैं बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं बन के बिगड़ती तो दुश्मन हजार होते हैं लेकिन आज लांगुर तुम मुझसे ये भी मालूम नहीं कर सकता कि भैया तेरी दिशा क्या हो रही है खैर कोई बात नहीं वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या मामला हो रहा है तेरे तो शरीर में बहुत गहरे गहरे जख्म हो रहे हैं भैया तेरी हालत क्या है ये माता जी को बुलाओ मेरे पास भेजो ठीक है बहुत अच्छा माता जी हाँ वो नल बनवारी आपके लिए बुलाता है मुझे बुला रहा है जाकर कह दे कि ये खड़ी है हे माता जी आपके कमर रूपी चरणों में दास का प्रणाम सही कार हो चिरंजीव रहो आयुष्मान भवा पुत्र अरे माता जी हाँ एक बात बता तूने इतना टाइम कहाँ लगा दिया अरे बेटा मैं चली आ रही हूँ जब तेरी खबर पहुँची तो ठीक है मातेश्री लेकिन मैं कहता हूँ तुझसे कहने लायक बात तो नहीं है लेकिन मतलब क्या है मैं क्यों बुलाई हूँ मेरा मतलब हाँ ओ मेरी मैयारी और नल बेटा की राख ले तू जल नीला तोरे बेटा की जननी रे तेरा गुण तोरे भूलन कारी नाए ओयने कैसे तो बुलाए ले रे मैं तो तने आदि जी यहाँ
नहीं, जो तेरे पास ना पड़ेगा मैं हर वक्त तेरे असने में सहायता करूंगी। तो सहायता करता बोल क्या बात है? लेकिन आज मेरे पास ना पड़ा हुआ है माता, तुझे मेरी सहायता करनी पड़ेगी। क्या? ओ बिना आगनी मेरी मैया, बिना पहानी के, और यहाँ खाना रे बना दे तू नल की मात। क्या कहा रे? माताजी बिना अग्नि और बिना पानी के मुझे यहाँ खाना बना दे। बेटा ये बात तो तूने बहुत कड़ी अटका दी। अगर जो खाना नहीं बना तो मेरी प्यारी दमंती मेरे हाथों से चली जाएगी। बेटा ये बात तो मेरे बस की नहीं है, ना मैं खाना बना सकती हूँ। क्यों मातेश्री, क्यों नहीं बना सकती है? लेकिन एक बात है, हाँ मैं इसकी विधि बता सकती हूँ। क्या विधि है? सुन सुनाइए। कहा माताजी? हे अभी तो बुला ले रे बेटा तू, अभी अभी रे बुला ले बेटा तू, गजे मोती को दी, ओ खाना तेरा देती रे यहाँ मैं तो बताए। क्या कहा रानी मोतिन? खाना बना देगी? बेटा मेरे पास की नहीं है, तेरी रानी मोतिन खाना बना सकती है। क्या तेरे अंदर वो शक्ति नहीं है? कभी अरे दिन मेरी मैया हो गए रे मोतिन गोरी, और मेरे गई है रे नरवर सल रानी जाए। तो क्या बात है गई है तो? माताजी क्या तेरे बस की बात नहीं है जो तू खाना बना दे? मेरे बस की नहीं है, वो ही बना सकती है रानी मोतिन, बना सकती है। हाँ क्यों, वो 14 विद्या निधान जादू करनी है। हाँ माता जी, जिस टाइम वो मेरे पास से गई है बड़े गुस्से में गई है, लेकिन वो कैसे आ सकती है यहाँ? और आई भी गई तो मुझसे बोलेगी नहीं। अरे तुम्हें लड़ाई हो गई है? लड़ाई का थोड़ी बहुत हो गई। अरे तेरी बुरा चाल तो मैं करा दूंगी, बुला ले। माता जी लड़ाई का तुझे पता होना चाहिए, जिस टाइम मैं दाने की गुफा में रानी मोतिन को ब्याह के लाया था तो उसने 3 वचन भरवा लिए। पहले वचन में मांगा उसने के हाथ मेरे हाथ में कंगन सर पे मोहर बांध के शादी नहीं करन दूंगी। हाँ। भजा के जा कितनी ले आई हो। अच्छा। और दूसरे वचन में उसके कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। ठीक। बच्चा पैदा नहीं होगा। हाँ। लेकिन मैंने वचनों को मान लिया, फिर भी मैंने वचन हार होकर हाथ में कंगन सर पे मोहर बांध के दमंती को ब्याया। उसी दिन वो चली गई और मुझसे कह गई, वैसे कह गई अगर कोई वक्त मौका आसना पड़े तो मुझे याद करियो। तो याद कर ले, बुला ले। तो बोलेगी ना मुझसे वो? अरे बुलवा तो मैं दूंगी, तू बुला ले। तू बुलवा देगी? हाँ चले तो मैं कोशिश करूँ, आ जा तो। ठीक है बुला, जाइए मत तू। जाऊंगी ना ही हूँ। तारे नल सरदार है। ए मेरी प्यारी मोतिन, तू 14 विद्या निधान जादू करनी है और मुझसे वादा करके गई है कि पति देव कहीं असना पड़े तो मुझे याद करियो। लेकिन ठीक है, आज मेरे पे असना पड़ा हुआ है, मैं देखूं मेरे असने में सहाय करेगी या ना करेगी। लो मैं रानी मोतिन को बुलाता हूँ। अरे सो गई कैसे मेरी प्यारी, अरे मोतिन कहाँ पर यारे सोए गई है मेरी, यारे पहली अब बिहारी बिहारी नल छतरी की राख लीजिए लाल।
रानी मोतिन गुरु गुरु झिलमिला के पास बियाबान जंगल में रहती थी अग्नि वन में। सुनिए, जब उसका माता धमकता है तो अपने गुरु को साथ लेकर और किस तरीका से नल बनवारी की मदद करने के लिए आती है। आपके सामने रानी मोतिन और गुरु जी आ रहे हैं, सुनिए क्या कहेंगे। गुरु जी कहिए चेली, ये कैसी मुझे आवाज आ रही है? आकाशवाणी हो रही है क्या? आकाशवाणी हो रही है? हाँ, आकाशवाणी किधर से होती है? गुरुजी जी, चेली मुझे ऐसा मालूम पड़ता है जी, क्या मुझे याद करते हो तो मेरे पति भी मुझे याद करते हैं। फिर आखिर आप क्या चाहती हैं? गुरुजी जी बोलो, आपकी आज्ञा क्या है? खैर आज्ञा तो मेरी ये है कि, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको तुरंत ही वापिस आना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। हैं? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी आप? हाँ। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे गुरुजी, मेरा उनका तो बिछड़न बहुत काफी रोस्ट है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। चेली खैर कोई बात नहीं है, अगर किसी आदमी में परेशानी पड़े तो उसकी परेशानी में शामिल होना जरूरी पड़ता है। अरे गुरुजी चलो, दूसरे बन के लिए चलते हैं, हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं खैर कोई बात नहीं, किसी से कोई काम नहीं है, हमें तो बस कृष्ण प्यारा है। खैर कोई बात नहीं, चलो चेली चल के देख लेते एक बार। तुम भी साथ चलोगे? मैं साथ चलूंगा। तो आगे भ्रमण करेंगे दूसरे वन में। जी बहुत अच्छा, चलिए चलिए चलिए। सते गोर के गोने गाऊं, अरे मैं